नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर के धामपुर से है, जहां धामपुर में रोडवेज बस के कर्मचारियों ने यात्री के बस में छूटे हुए बैग को सकुशल यात्री को लौटाया, जिससे यात्री ने कर्मचारियों की सराहना की। आपको बता दें, नजीबाबाद बस स्टैंड पर खड़ी मेरा डिपो की बस में मुरादाबाद निवासी शकील अहमद का बैग रह गया। शकील अहमद थ्योजन फार्मा कंपनी में ASM के पद पर कार्यरत है। बस नजीबाबाद से धामपुर के लिए आ रही थी। बस के रवाना होने के बाद शकील अहमद को उसके बैग के गुम होने का पता चलने के बाद वह दूसरी बस के द्वारा धामपुर बस स्टैंड पर पहुंचा। बस के चालक परमेश व परिचालक परवेंद्र कुमार ने बस की सीट पर रखे काले कलर के बैग को अपने पास सुरक्षित रख लिया। शकील अहमद ने धामपुर पहुंचकर चेकिंग दल के सदस्य TI तपराज सिंह और परिचालक पवन कुमार टाक को अवगत कराया, जिसके बाद मेरठ डिपो की बस को खुलवाकर बैग को सुरक्षित यात्री शकील अहमद को लौटाया गया। बैग को पाकर शकील अहमद ने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के कर्मचारियों का धन्यवाद किया। आप कहाँ से बैठे थे यात्रा करने के लिए? नजीबाबाद से बैठे थे। तो बैग आपका कैसे छूटा गाड़ी में? दो दिन सवारी बैठी थी, मैं पेशाब करने चला गया था। ठीक। कंडक्टर या ड्राइवर को नहीं था गाड़ी में, मुझे लेने पेशाब कर रहा हूँ, आके देखा तो गाड़ी निकल गई। ठीक, यानी कि आपने स्टाफ से बताया नहीं? नहीं बताया नहीं, कोई था नहीं गाड़ी के अंदर। अब आपने चेक कर लिया बैग आपका ही है? ठीक है। क्या कहना चाहेंगे परिवहन निगम के बारे में आप? सर बहुत अच्छी लगी, सपोर्ट किया, बैग मिल गया मेरा, थैंक यू सो मच। ये हमारे TI साहब का वो है जो इन्होंने आज आपकी मदद की है, और ड्राइवर साहब ने भी निकाली है। हालांकि इस गाड़ी का स्टाफ मौजूद नहीं है, लेकिन धामपुर डिपो के संज्ञान में और उन लोगों के संज्ञान में करके यह बैग आपको लौटाया जा रहा है। ठीक है। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।